ओके सो गाइस वेलकम टू टेक ड्रीम स्टोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये पूरा बिल्ड है अलोंग विद अ गेमिंग मॉनिटर एंड गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो पूरा बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। और अपने भाई आए हैं स्पेशली जयपुर से इस पीसी को लेने। हेलो गाइस, भाई सबसे पहले वेलकम, कैसे हो यार? बस बढ़िया। और कैसा एक्सपीरियंस, कैसा रहा ओवरऑल आपका? बहुत बहुत ही अच्छा। एक्चुअली टेक ड्रीम को मैंने यूट्यूब से फॉलो किया है, लिटरली सही बताऊँ तो, और बहुत अच्छा मिला मेरे को अभिषेक भैया से मिलकर। और लाइक एज अ बजट सेगमेंट में लगभग ये 1,06,000 समथिंग का बैठा है, तो A1 है कुछ भी कहो। मतलब अल्ट्रा सेटिंग में, मतलब जो अभी की जनरेशन में जो गेम चल रहे हैं मोस्टली, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे, बट मोस्टली काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। और एक बार मैं आपको कॉम्पोनेंट्स का बता देता हूँ जो जो इस मशीन में यूज़ हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें, सो वी हैव द कोर i5-12400F, जो कि अगर आज की डेट में आप एक मिड रेंज बजट गेमिंग पीसी बना रहे हैं, दिस शुड बी योर परफेक्ट चॉइस। आपको इसके साथ ही जाना चाहिए। 6 कोर 12 थ्रेड कमाल का प्रोसेसर, गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, प्रोडक्टिविटी करना हो, कुछ भी करना हो, इसको चूज कीजिए, सही राह पर जाएंगे आप। इसके बाद में कमिंग टू द मदरबोर्ड, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है गीगाबाइट का B660M DS3H AX, मतलब कि वाईफाई इसमें जो है इंक्लूडेड आता है मदरबोर्ड में। ऑल दो इफ यू आर गोइंग टू गेम और स्ट्रीम, आई रिकमेंड यू कि आप लैन का ही यूज करें, बट इस बिल्ड में हम लोग इस मदरबोर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर रैम की बात करें तो यहाँ पर दो मॉड्यूल्स यूज किए गए हैं, कॉर्सियर की वेंजियन LPX मेमोरी DDR4 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी के साथ में आती है। 8-8 GB के दो मॉड्यूल हैं, ये आप देख सकते हैं लगे हुए इस बिल्ड में। 16 GB रैम का यहाँ पर टोटल यूज किया गया है, जो कि आज की डेट में गेमिंग के लिए मच मोर देन इनफ है। इसके बाद आती है ग्राफिक्स कार्ड की बारी, जो कि भाई को बहुत पसंद है और सबसे महंगा पीस है। हाँ, सबसे महंगा यही है इस पीसी में। एंड यहाँ पर यूज किया गया है RTX 3050, जो कि Zotac की तरफ से आता है 5 साल की वारंटी के साथ में। अगर आपको 1080p पर गेमिंग करनी है सो आप इस कार्ड के साथ जा सकते हैं। खासकर आपको इसमें काफी सारे ऐसी चीजें भी मिल जाएंगी जो कि स्ट्रीमिंग आपके लिए अच्छा बना देंगे आपके पीसी का। 3050 का हम लोगों ने यूज किया है इस बिल्ड में। टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, वी हैव XPG SX6000 Pro NVMe SSD, 512 GB की NVMe SSD है, जहां पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ गेम्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स इसमें स्टोर करेंगे, ताकि जो सिस्टम है स्नैपी रहे, रिस्पॉन्सिव रहे ऑल द टाइम, कोई दिक्कत ना आए। साथ ही में इस बिल्ड में 1 TB की एक हार्ड ड्राइव को भी यूज किया गया है एज द सेकेंडरी स्टोरेज। एंड जैसे कि आपको पता है कि इस पीसी की पावर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, स्टिल वी आर यूजिंग अ 550W PSU, कूलर मास्टर का मास्टरवॉट एलिट 550 ब्रॉन्ज, 5 साल की वारंटी के साथ में ये भी आता है, बहुत अच्छा PSU है। और मेरे ऑलमोस्ट हर बिल्ड्स में कूलर मास्टर के ही पावर सप्लाईज यूज होते हैं, एंड आज तक जीरो रिप्लेसमेंट है इनकी, बहुत अच्छी क्वालिटी के पावर सप्लाईज ये लोग बनाते हैं। केस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये है अपना कूलर मास्टर का न्यूली लॉन्च CMP 510। यहाँ पर आपको 3 ARGB फैंस और एक ये ARGB स्ट्रिप जो है वो मिल जाती है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। अच्छा ये फ्लो है, डिसेंट केस है प्राइस के हिसाब से। प्लस इस पीसी बिल्ड में ये मॉनिटर आप देख सकते हैं, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये गीगाबाइट का G24F गेमिंग मॉनिटर, 24 इंच का 1080p IPS पैनल बेस्ड 165Hz मॉनिटर है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है, आप एक मॉनिटर ढूंढ रहे हैं 15-16-17 हज़ार रुपए की रेंज में अच्छा सा, सो दिस शुड बी योर चॉइस, बहुत अच्छा मॉनिटर है। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे। प्लस यहाँ कीबोर्ड माउस का ये आप देख सकते हैं कॉम्बो, ज़ेब्रोनिक्स का ट्रांसफॉर्मर कॉम्बो है। सो पूरा ये जो सेटअप है, ये पूरे सेटअप के प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,06,000 रुपए के आसपास है, और सारे पैसे भाई जो है अपने गवा चुके हैं आज। एक्चुअली यहाँ थोड़ा चीरा लगाया है मैंने, थोड़ा इनको दर्द भी हो रहा है आज, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट अलग रहा है इस पीसी का। सो बस ये था आज का पीसी बिल्ड गाइस, एंड थैंक यू सो मच आने के लिए भाई और ट्रस्ट करने के लिए हमारे ऊपर। एंड अगर आपको पसंद आया हो ये बिल्ड, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगर कुछ आपको लगा हो कि अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी आकर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बस बेल आइकन को भी, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।